हेलो एवरीवन क्या हाल चाल वेलकम टू माय चैनल हेलो आ जाओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाइए आ जाइए शुरू करें तो देखो यार मैराथन पूरा हुआ नहीं था तो क्लास की प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए थी आपकी तो हम सोचे एक वन पेज नोट करा देते हैं क्योंकि एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपका एक एक मिनट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आनंद मनी डॉट कॉम ठीक है यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और संडे को हम मर्चेंडाइज रिलीज कर रहे हैं दैट इज ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल दैट इज आनंद अंडरस्कोर मनी वन सिक्स ठीक है चलो चलो ठीक है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनल इलमिनेशन खत्म कर लेते हैं भैया जी दो सवाल यहां से भी आते हैं मतलब इक्वल टू आठ नंबर ही सवाल है है ना आठ नंबर यहां से निकाल सकते हो ठीक है जनरली सवाल सर कहां से आते हैं सर यहाँ पे जो सवाल है ना वो पे आता है ना? Dilution, कहां पे, किसका हो रहा है ना यूरिन ठीक है चल रेडी केमिस्ट्री का मॉक बेटा केमिस्ट्री का कल करा रहे हैं कल केमिस्ट्री का भी जैसे आज बायो का कराया है वैसे केमिस्ट्री का भी कल कराएंगे और फिजिक्स का भी कराएंगे ठीक है टेंशन मत लो टेंशन नको लेने का मतलब न तो कहा टेंशन हुण? है ना चलो आओ तो शुरू करते हैं हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है जो भी वेस्ट मटेरियल जो मेरे काम का नहीं है उसको मेरा बॉडी बाहर निकाल दे तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं राइट? राइट 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 तो क्या होता है भैया बाई इंजेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सॉरी बाय इंजेन और बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोडक्ट लाइक अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड आय लाइक एन ए प्लस के प्लस सी एल माइनस फॉस्फेट एंड सल्फेट एक्ूमुलेट इन द बॉडी तो जो एक्सेसिव वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है वाया एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सेसिव वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है वाया एक्सक्रीटरी सिस्टम तो क्या क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया हो सकता है यूरिया हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है ठीक है सबसे टॉक्सिक अमोनिया होता है सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है कहां कहां होता है तो बोनी फिश एक्वाटिक एक्वाटिक इंसेक्ट में क्या अमोनिया डायरेक्टली निकल जाता है जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वहां पे अमोनिया डायरेक्टली निकल जाता है बिकॉज अमोनिया इज रेडिली इन वाटर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड फिश में आपका यूरिया निकलता है यूरिया कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट में यूरिक एसिड निकलता है इन फॉर्म ऑफ पेस्ट या इन फॉर्म ऑफ पेलेट इन फॉर्म ऑफ पेस्ट या इन फॉर्म ऑफ पेलेट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर ठीक है टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर ठीक है तो तीन तरह के ऑर्गेनिजम होते हैं अमोनिया वाले अमोनोटेलिक यूरिया वाले यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड वाले यूरिकोटेलिक ठीक याद रखिएगा अमोनिया से यूरिया सॉरी अमोनिया से यूरिया बनता है कौन सा साइकिल निथिन साइकिल कहां पे लीवर में है ना अमोनिया से यूरिया बनता है ऑर्निथिन साइकिल लीवर में राइट ठीक है इंजाइम यूज होता है और निथेज और आरजीनेस ठीक है बस इतना जान लो इंजाइम यूज होता है और निथेज और आरजी यूज होता है है और, और बस इतना याद रखना ठीक ज़्यादा डिटेल में साइकिल आपको नहीं जानना ठीक है क्या अमोनिया से यूरिया है, लिवर में और मदद से, नेशन। बहुत बढ़िया ठीक है एक्सक्रिटरी ऑर्गेन कैसा कैसा प्रेजेंट है कहां पे कैसा कैसा प्रेजेंट है एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर पहला प्रोटोनेफ्रीडिया प्रोटो नेफ्रीडिया हेल्प इन लोकोमोशन एंड ऑसमो रेगुलेशन पे प्लेटी हेलमिंथस फ्लेम सेल्स इज फाउंड इन प्लेटी हेलमिंथस प्लेनेरिया में रोटिफर्स में एन कॉर्डेट होता है एम्फियोक्सस वहां प्रोटो नेफ्रीडिया मिलता है नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलेट्स मेलफीजन ट्रिब्यूल कॉकरोच एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड प्लांट ठीक है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड आई अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी पेयर ऑफ यूरेटस यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा a pair of kidneys a pair of ureter urinary bladder and urethra ठीक। kidneys कैसे होते हैं? reddish brown bean shaped structure हैं. situated between t12 and l3 it is situated between t12 and l3 वजन 120 ग्राम डायमेंशन 10 से 12 सेंटीमीटर 5 से 7 सेंटीमीटर वेट और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस इन सब पे सवाल आया हुआ है इन सब पे सवाल आया हुआ है ठीक है राइट right किडनी थोड़ा नीचे होगा लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होगा ड्यू टू लिवर है ना राइट right साइड में लिवर होता है इसलिए राइट right किडनी थोड़ा नीचे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड तुम्हारा किडनी के ऊपर टोपी की तरह रहता है प्रेजेंट होता है ठीक है अच्छा हाइलम इज अ नॉच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर किडनीव साइड ये देखो ये वाला जो इनर कनकेव साइड है यहां पे जो नॉच होता है इसको हम हाइलम कहते हैं और हाइलम से क्या हो रहा है यूरेटर ब्लड वेसल और नर्व इंटर होते हैं ठीक हाइलम के अंदर रीनल पेल्विस है जहां से कैल्सियस से प्रोजेक्शन आता है इस अभी तुमको बताते हैं कैसे कैसे होता है ठीक है देखो देखो तो किडनी का अगर बात करोगे तो तुमको दो रीजन दिख रहा है क्या दिख रहा है कॉटेक्स दिख रहा है सर ठीक है अंदर वाला दिख रहा है रीजन मेडिला ऐसी जगह जहां पे कॉटेक्स प्रोट्यूड कर गया है मेडुला में उसको हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं ठीक क्या ऐसी जगह जहां पे ऐसी जगह जहां पे ऐसी जगह जहां, जहां, जहां पे क्या जहां पे जहां पे कॉटेक्स प्रोट्यूड कर गया है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं ठीक है क्लियर है क्लियर है क्लियर ठीक है मेड्यूला है? है? Medulla में मेड्यूलरी पिरामिड होता है ठीक है मेड्यूलरी पिरामिड खुलता है कैल्सियस में कैल्सियस कैसा होते हैं मेजर कैल्सियस माइनर कैल्सियस एंड दे ओपन इन टू द रीनल पेल्विस ठीक है तो देखो Nephron है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है नेफ्रॉन से गया कलेक्टिंग डक में कलेक्टिंग डक से आया रीनल पैपिला में रीनल पैपिला से गया माइनर कैल्सिया से गया और मेजर से गया पेल्विस ठीक है और रीनल पेल्विस से फिर गया यूरेटर और यूरेटर से गया यूरिनरी यूर यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर ठीक है ठीक है तो आओ देखो तो देखो तो किडनी का अगर स्ट्रक्चर देखे तो आउटर रीजन इज कॉल्ड कोटेक्स अंदर वाला रीजन इज कॉल्ड मेडुला ठीक है मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड विच ओपन टू कैल्स कैल्स की बात की थी हमने कैसे मेजर कैल्स और माइनर कैल्स होता है ठीक है एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी हर किडनी के पास एक मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी ठीक है यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना ठीक है यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल तो नेफ्रॉन की बात अगर हम करेंगे तो नेफ्रॉन में क्या आ गया ग्लोमेरुलस दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और दूसरा आ गया रीनल टिब्यूल रीनल टिब्यूल में क्या आ गया रीनल ट्रिब्यूल में है तुम्हारा टेड ट्रिब्यूल लूप ऑफ एनले एंड डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल तो पीसीटी लूप ऑफ एनले एंड डीसी है ना प्रोक्सीमल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल लूप ऑफ एनले एंड डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल ठीक है ये नेफ्रॉन का पार्ट है ठीक है ग्लोमेरुलस में क्या है भैया दो पार्ट आपको दिख रहा है क्या पहला एफरेंट आर्टेरियोल अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो एफरेंट आर्टेरियो बाहर की तरफ जा रहा है तो ईफरेंट आर्टेरियो ठीक है तो ब्लड लेके आता है एफरेंट आर्टेरियोल जो थिक होता है इसका ल्यूमेन और बाहर जो जाता है ईफरेंट आर्टेरियोल जिसका ल्यूमेन थिन होता है ठीक है और यहीं पे दोनों का क्या होता है प्लाज्मा इज फिल्टर्ड आउट तो लार्ज प्रोटीन इधर रह जाते हैं और प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है लार्ज प्रोटीन इधर रह जाते हैं और प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है फ्रॉम ए टू टूर आर्ट्यूल और जब यहां से निकलता है तो इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत यहां तक तो ए फर हो गया और ई फर हो गया ठीक क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़े ठीक अब बात करते हैं अब बात करते हैं क्या क्या पार्ट है

कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट से कैल्सियस पे गया कैल्सियस से पेल्विस और पेल्विस से यूरेटर पे चला जाता है यूरेटर पे चला जाता है तो अगर तुम मेल्फीजियन बॉडी देखोगे तो तुमको यहां पे दिख रहा है ये वाला जो रीजन है ये जो टफ टफ कैपिलरीज वाला जो रीजन है दिस इज ग्लोमेडल और ये जो है इट इज वोमेन कैप्सूल तो ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल तुम्हारा मेल्फीजियन बॉडी बनाता है ग्लोमेडल ठीक है प्लस बोमेंस कैप्सूल तुम्हारा मेलफीजियन बॉडी बनाता है यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है ठीक है ठीक नेफ्रॉन्स हमने देखा था दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं कैसा नेफ्रॉन होता है सर पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा होता है मेडुलरी नेफ्रॉन लगभग एट्टी परसेंट नेफ्रॉन जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और पंद्रह से बीस परसेंट नेफ्रॉन जो है वो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ठीक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या आ गया पहला मेल्फीजियन कॉर्पोरे पीसीटी डीसीटी ठीक है ठीक है एंड शॉर्ट लूप ऑफ हेनले ठीक है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वैसे ये जनरल नेफ्रॉन की बात कर रहा है वैसे तो इस पर बाद में कर लेंगे ठीक है यहां पे जनरल नेफ्रॉन की बात कर रहा है कि कौन कौन से रीजन में क्या क्या होता है ठीक है तो मेल्फिजन कॉर्पोसर पीसीटी डी सी टी कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है लूप ऑफ हेनले आपका मेडुलर रीजन में पाया जाता है ठीक है अब यहां पे आ गया टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट्टी परसेंट और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन दैट इज अप्रोक्सिमेटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी ऑफ ने छोटा होगा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ बहुत लंबा होगा यहां पे एक्सटेंशन इन मेडुला इज वेरी शॉर्ट यहां पे एक्सटेंशन इन मेडुला इज लॉन्ग वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा यहां पे प्रेजेंट होगा वासा रेक्टा यहां पे प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये आपके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आ गए कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन ठीक मेजर कैल्सियस और माइनर कैल्सियस बेटा माइनर कैल्सियस दस से बारह होते हैं छोटे छोटे निकलते हैं जो खुलते हैं मेजर कैल्सियस में और मेजर कैल्सियस फिर खुलते हैं तुम्हारे रीनल पेल्विस में चले अगला यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो तीन स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है दूसरा होता है रीअजॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन फिल्ट्रेशन रीअबॉर्प्शन और सिक्रेशन ठीक है तो सबसे पहले आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो तीन लेयर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है इस पर सवाल आया हुआ है क्या ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपीथिलियम ऑफ कैप्सूल बोमेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट्स होते हैं जिसके पास स्लिट लाइक पोर्स होते हैं जो हेल्प करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो हेल्प करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ठीक है तो याद रखिएगा द एपीथिलियल सेल्स

निकल जाता है ठीक अच्छा अच्छा एक और चीज सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन द डी सिटी एंड एफरेंट आर्ट्रूल लोकेटेड इन द कॉन्टैक्ट रीजन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर अपैरेटस या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जे जी सेल्स बनता है कहां एट द जंक्शन ऑफ डी एंड एफरेंट आर्टल एट द जंक्शन ऑफ DCT एन एफर एट आर्ट्रियोल एट द जंक्शन ऑफ डीसीड आर्ट्रियोल ठीक है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात ठीक है तो क्या होता है जक्स्ट्राग्लोबल बिकम्स मैक्यूलर इंस सेल प्लस जक्स्ट्राग्लोबल सेल प्लस मिस सेल मिसेंजल सेल रिलीज करता है एनओ ठीक है जो वेजो डायलेटर होता है आपको नहीं पढ़ना एनसीआरटी में नहीं दिया है ठीक है आपको बस जक्सट्राग्लोम सेल के पास पता होना चाहिए जक्साग्लोमल सेल रिलीज करता है रेनिन ठीक है क्या करेगा अभी उस पर आगे बात करेंगे ठीक है ठीक है तो क्या क्या दिखा आपको यहीं पे देखिए तो एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी आपको देखने को मिल रहा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ठीक है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करता है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बड़ी। ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है या ग्लोबल फिल्ट्रेशन जो होता है वो 125 ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट होता है 180 लीटर पर डे होता है ठीक है तो प्लाज्मा इज फिल्टर्ड लार्ज प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ फिल्टर कर देता है कैसे होता है तो फिल्ट्रेशन रेट इज़ इक्वल टू जी एच पी दैट इज ग्लोमेलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड ब्लडक्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है इससे निकालते हैं सी एच जी एच पी इज ग्लोमेर्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सी एच पी इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड बी सी ओपीएस ब्लड कोलोयडल ऑस्मोटिकेश बी सी ओपीएस ब्लड कोलोयडल ऑस्मोटिक प्रेशर तो देखो हमेशा देखना तो यहां से जो प्रेशर लगेगा दैट इज जीएसपी ठीक है ब्लड का जो कोलाइड यहां पे जो प्रेशर लगाएगा दैट इज उल्टे डायरेक्शन में दैट इज और जो कैप्सूल प्रेशर लगा रहा है is, CHP, is, is, CHP, is, ठीक है ठीक है फॉल इन जी एफ आर कैन एक्टिवेट द रेन इन एंडियोटेंशन सिस्टम टू ब्रिंग जीएफआर बैक टू नॉर्मल अभी हम बात करेंगे इस पर अभी हम बात करेंगे यहां तक क्लियर है मामला यहां तक क्लियर है मामला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने देख लिया दूसरा स्टेप है दैट इज रीएब्जॉर्प्शन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से 180 लीटर अह फिल्ट्रेट निकलता है बट हम यूरिन 1.5 लीटर ही निकालते हैं मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड रीएब्जॉर्प्शन से प्रोसेस से उसको कहते हैं ठीक है तो कैसे कैसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है ग्लूकोज अमाइनो एसिड और एन ए प्लस में रि होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाकी सब कुछ का रिब्सॉर्बेशन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है ठीक है सिक्रीशन क्या हुआ सेल ट्यूबल के प्लस एंड अमोनिया इन टू द सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड समझ जाओ देखो अगर मान लो कोई एक नेफ्रॉन है बहुत बेसिक सा चीज समझना कोई एक नेफ्रॉन है बहुत सिंपल सा डायग्राम ठीक है तो यहां से जो निकल रहा है दैट इज फिल्ट्रेशन ठीक जो टिब्यूल के अंदर जाएगा दैट इज री एब्जॉर्बन और जो बाहर निकलेगा इसके दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन जो बाहर निकलेगा दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन क्लियर है क्लियर है क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है, है। चल आगे हम बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल कौन कौन से ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है ठीक है सबका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सब पे सवाल आता है ठीक है पीसीटी सिंपल क्यूआइडर ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम पचास बार सवाल आ चुका है इस ब्रश बॉर्डर इसके पास विलाई प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया पे ठीक है सत्तर से अस्सी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यही रीब्सॉर्ब होते सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्बेशन यहीं पे होता है अगर पीसीटी हटा दोगे तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा ठीक है पीसीटी सीक्रिट हाइड्रोजन आयन अमोनियम आयन पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब एस सीओ थ्री माइनस आयन टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस ठीक है तो क्या क्या सिक्रिट किया हाइड्रोजन अमोनिया एंड पोटेशियम एब्सॉर्ब क्या किया एस सीओ थ्री माइनस आयन ठीक है याद रखिएगा हंड्रेड परसेंट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड री होता है पीसीटी में हंड्रेड परसेंट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड री होता है पीसीटी में हंड्रेड परसेंट एंड अमाइनो एसिड

एंड इट इज ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो एन ए सी एल निकालता है वायटिव ट्रांसपोर्ट कौन सा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये एनए सी एल निकालता है ठीक है तो डिसेंडिंग लिम वाटर निकालेगा रीअब्जॉर्ब करेगा एसेंडिंग लिम्ब एनए सी एल का रीअब्जॉर्ब कराता है लूपोफेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ठीक अगला अगला डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल क्या होता है री ऑब्जॉर्व करता है एस सीओ थ्री माइनस आइन सिक्रीट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया टू मेंटेन द ऑस्मोराइट बैलेंस ठीक है कंडीशनल रिजॉर्बन ऑफ एन प्लस होता है एंड वाटर होता है डी में वो डिपेंड करता है हार्मोनल एक्शन पे ठीक है तो एल्डोस्ट्रॉन के प्रेजेंस में री ऑफ एन प्लस होता है ए के प्रेजेंस में री ऑफ वाटर होता है ए के प्रेजेंस में री ऑफ वाटर होता है।, है बहुत सारा डी मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में ठीक है तो द लॉन्ग डक्ट कनेक्ट द कॉटेक्स एंड किडनी टू द मेडलरी पार्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज रीअर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डी है कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीअब्सार्ब होता है कलेक्टिविटी एंड सिक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड के प्लस आयन होता है कलेक्टिव डे तो तुम देख लो यहां से तुमको सब कुछ दिख जाएगा एन एस सी एल एस सीओ थ्री माइनस एस टू ओ न्यूट्रिय न्यूट्रिय में आ जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के प्लस ये सारे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं सिक्रीट हो रहा है के प्लस और एनएस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपले में वाटर एसेंडिंग लिम ऑफ लूपो फेल लेनए सी एल डिस्टल कॉन्वर्टिव में कंडीशनल ऑफ वाटर एंड बाई कार्बोनेट सिक्रीशन ऑफ के प्लस एंड एस सी एल ठीक है कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का और यूरिया कुछ अमाउंट में निकलता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी तो यही रीअबॉर्बेशन हो रहा है यही सिक्रीशन हो रहा है अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन तो मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन दो फिनोमेनास होता है जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म इस डिवाइडेड इनटू काउंटर करंट मल्टीप्लायर अब इस पे हम डिटेल में जाएंगे नहीं मैकेनिज्म पे ठीक है और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सटी तो क्या क्या हो गया काउंटर करेंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करेंट एक्सचेंज ठीक है तो देखो क्या होता है देखो क्या होता है सबसे पहले कि जैसे हम नीचे जाते हैं जैसे मान लो कि आउटर रीजन है ठीक है बाद आ गया आउटर मेडुला उसके बाद आ गया इनर मेडुला और उसके बाद आ गया मेडुलरी इंटरस्टीज ठीक है तो जैसे हम नीचे जाते हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जाता है तो यहां थ्री हंड्रेड मिलियो ऑस्मोल है यहां छह सौ हो जाता है

ठीक है ये लूप लूपो फल ये वासा रेक्टा है अब देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहां से NaCl निकला ठीक है ये NaCl ये ले लेता है ठीक है और यहां वाटर छोड़ देता है ठीक यहां से वाटर निकला ये वाटर ये ले, ले लेता है और यहां पे NaCl छोड़ देता है तो इसका डायरेक्शन मान लो यहां से यहां है तो इसका डायरेक्शन यहां से यहां होगा इससे नेट जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं होता इससे नेट जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं होता है ठीक तो द एक्सेंज एन एल इज है यूरिया इंटर इन दसेंडिंग लिम्ब लूब ऑफ एन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द कलेक्टिंग डक्ट ये तो हमने है ठीक तो ये आ गया मैकेनिज्म ऑफ मेकेट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिया

जक्स्टा जक्स्ट्राग्लोमिलोपटस एंड हार्ट तो एक एक करके देखो कहां कहां से क्या क्या हो रहा है सबसे पहले कंट्रोल बाय एडीएच तो क्या होता है ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं देखो क्या होता है ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहां पे तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम बॉडी वॉल्यूम ट्रिगर्स ऑस्मो रिसेप्टर टू स्ट्यूमुलेट एंड सिक्रीट एडीएच ठीक है दैट इज रिलीज फ्रॉम द

और टोबैको एल्कोहल एडीएच सप्रेस करता है तो इसीलिए तुम जब दारू पियोगे तुमको खूब सुसु आएगा। एडीएच सप्रेस करता है ठीक है समझ में आया समझ में आया अगर पहले देखो स्टेप वन मान लो मुझे प्यास लगा ठीक है तो मतलब मेरा ब्लड वॉल्यूम बॉडी वॉल्यूम कम होगा, ठीक है तो क्या हुआ हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला भैया एडीएच रिलीज करो एडीएच डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है ठीक है दूसरा आते हैं कंट्रोल बाय जेजीए इसको हम कहते हैं रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम देखो क्या होता है फॉल इन जीएफआर जेजी से रिलीज करता है रेनिन रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंशनोजेन को एंजियोटेंशन वन में और एंजियोटेंशन वन को एंजियोटेंशन टू में याद रखिएगा रेनिन प्रोड्यूस हो रहा है किडनी से एंजियोटेंशनोजेन प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से ठीक है एंजियोटेंशन टू इज द पावरफुल वेजो और वो क्या हो रहा है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जिससे जीएफआर बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलेगा भैया कि तुम रिलीज करो एल्डोस्ट्रॉन एल्डोस्ट्रॉन रीअबॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड एनसियल इन द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल को इंक्रीज़ करेगा जिससे ब्लड प्रेशर और जीएफआर वापस से इंक्रीज होता है और इससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है इससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है ठीक है ठीक है तो क्या हुआ कि अगर फॉल इन जीएफआर आ रहा है तो क्या हो गया जेजी से रिलीज क्या रेनिन

तीसरा ए एन एफ तो यह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है इन केस ऑफ दिस तो एन एफ इज रिलीज बाय द हार्ट एट्रियल वॉल इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर ठीक है ए एन एस की चेक इन द रास मैकेनिज्म ठीक ए एन एफ प्रमोट्स वेजो डायलेशन ठीक है तो जैसे एनजियोटेंशन टू वेजो कंसिक्टर था एन एफ उसको न्यूट्रलाइज करेगा और

मिच्यूरेशन होगा ठीक है मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स नहीं होगा मिच्यूरेशन होगा याद रखिएगा ठीक है बीमारी ग्लाइकोसुरिया ग्लूकोज इन यूरिन कीटोनुरिया कीटोन बॉडी इन यूरिन ग्लाइकोसुरिया ग्लूकोज इन यूरिन कीटोनुरिया कीटोन बॉडी इन यूरिन ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी इंडिकेट द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलेटेस ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज इन कीटोन बॉडीज इंडिकेट्स डायबिटीज मेलिटस ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमे यूरिन की बात करते हैं एवरेज ह्यूमेन कैन एक्सक्रीट अप टू वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर ऑफ यूरिन पर डे पी एच इज स्लिक दैट इज स्लाइटली एसिडिक, पेल येलो इन कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर दैट इजेयर अमाउंट ऑफ यूरिया सिक्रीटेड इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम है ना ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया इज यूरियाड पर डे ठीक है सब पे सवाल आया हुआ है जो मैंने मार्क कर दिया रोल ऑफ अदर ऑर्गेन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डिसऑर्डर देखते हैं ठीक है लंग्स 200 सौ एम एल पर मिनट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर लिवर बाइल जूस बिलीवर्डिन, इन कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्ट्रॉइडल हॉर्मोन्स वाइटमिन एंड ड्रग्स स्वेट ग्लैंड एनएसियल वाटर एंड यूरिया एंड सीबम स्टेरोल हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड और सीबेसिय ग्लैंड का डिफरेंस सवाल आता है स्वेट ग्लैंड में एनएसियल लैक्टिक एसिड यूरिया एंड वॉटर सीबेस ग्लैंड में स्टेरॉल हाइड्रोकार्बन एंड

ब्लड स्टीम ऑफ द इंडिविजल ड्यू टू मैलिंग ऑफ किडनीसमोडायलिस यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, तो हिमोडायलिसिस में क्या होता है ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरी यहां से चला जाता है डायलिसिस यूनिट में ठीक है डायलिसिस यूनिट में सिमिलर कंपोजिशन होता है एज ऑफ प्लाज्मा बट इट लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट तो इट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता तो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है कहां पे आ जाता है इसमें ठीक है ब्लड इज इज्ड बैक टू द दिन ठीक है देखो डायलिस यूनिट में एक बार तुमको अच्छे से बता देता हूं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए देखो ध्यान से हमने क्या किया एक आर्टरी लिया आर्टरी से ब्लड निकाला कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी हो सकता है जिससे हम ब्लड निकालते हैं ठीक है ब्लड में हमने एंटीको डाला और उसके बाद हमने इसको डाल दिया डायलिसिस फ्लूइड में हमने इसको डाल दिया डायलिसिस फ्लूइड में डायलिसिस फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू मतलब सब कुछ सेम है टू प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया नहीं होता है इसमें ठीक है तो यूरिया क्या हो जाता है पैसिवली ब्लड से यूरिया इसमें निकल जाता है पैसिवली ब्लड से यूरिया इसमें निकल जाता है ठीक है अब उसके बाद फिर क्या हुआ अब उसके बाद फिर क्या हो गया हम ब्लड को निकालते हैं इसको वार्म करते हैं और इसमें कोएगुलेंट डालते हैं और उसके बाद हम उसको वेन में डाल देते हैं तो ये प्योर ब्लड होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमो डायलिसिस तो ब्लड हम निकालते हैं आर्टरी में डालते हैं वेन में ठीक है ठीक अच्छा और क्या क्या है

बहुत ज्यादा सुसु हो रहा है तो पॉलीसूरिया एंड नो no यूरिन तो उसको हम कहते हैं एनूरिया. लेस ठीक है तो ये बीमारी पे सवाल आ सकते हैं कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया मैंने तुमको पहले ही बता दिया ये है चैप्टर जिसको हमने द एंड कर दिया ठीक है क्या मस्त यार 41 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन तुमको आ भी गया होगा एक बार फटाफट सब कुछ आंख के सामने आया या नहीं आया आंख के सामने आया बेटा चलो बहुत बढ़िया ठीक है कल तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैराथन होगा कल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे खूब सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे आज बायो का मैंने कराया ठीक है मिलते हैं ब्रेक के बाद टेक केयर बाय बाय हैव